देहरादून में इन दिनों वैली ऑफ वर्ड्स का आयोजन किया गया है और इस दौरान इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल के दूसरे दिन चर्चा में शामिल हुए नेताओं और पत्रकारों ने राम मंदिर मुद्दे पर अपनी राय रखी। संसद की गरिमा बनी रहे, इसमें नेताओं की सहभागिता जरूरी है। नेता जितनी बेहतर चर्चा सदन के बाहर करते हैं, अगर वैसी ही चर्चा सदन में भी करें तो जनता का पैसा बर्बाद नहीं होगा। देहरादून में चल रहे वैली ऑफ वर्ड्स की इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल की दूसरे दिन हुई चर्चा में सम्मिलित हुए नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार चाहे तो कई मुद्दों पर सकारात्मक बहस हो सकती है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं पाता। वहीं राज्यसभा सांसद तरुण विजय उनकी बात से असहमत नजर आए। यहाँ तक अयोध्या का सवाल है, हमारा सदा से ये मानना रहा है, मामला उच्चतम न्यायालय में है, जो उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा वो हमको मंजूर होगा। देखिए, जैसे हमने कहा कि जो उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा हमको मंजूर होगा। तो वैली ऑफ वर्क चाहिए और भारतीय जनमत का एक जो मुख्य विचार है प्रकट होना चाहिए, राम भारत है और भारत राम है। चर्चा में सम्मिलित होने आए लेखक वरिष्ठ पत्रकार सर मार्क टली ने चर्चा को लेकर कहा कि इंडियन पॉलिटिक्स का स्तर गिर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि चर्चा में सब अपने अपने मत रखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार हिंदू मुस्लिम की बात सामने ला रही है जो गलत है। अयोध्या का मुद्दा ये है कि समझौता होना चाहे मुस्लिम और हिंदू के बीच में, झगड़ा नहीं होना चाहे, और झगड़ा से ये प्रॉब्लम जो है ठीक तरह हल नहीं हो सकते हैं, समझौता होना चाहिए। बीजेपी ये एक राय है, लेकिन बीजेपी ज्यादा आक्रमण करता है, अटैकिंग करता है, एग्रेशन करता है, ये गलत है। मुस्लिम और हिंदू के बीच में समझौता होना चाहिए। वैली ऑफ वर्ड्स में कई मुद्दों पर सेशन आयोजित हो रहे हैं जिसमें बच्चों समेत गणमान्य लोग सामाजिक दृष्टिकोण को देख समझ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।